व्हाट्स अप गाइस, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मेरा नाम है मनीष और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल द परफ्यूम लैब पे। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है यार्डले लंदन के परफ्यूम के ऊपर। इसका रिव्यू करेंगे आज, इस परफ्यूम के बारे में आज जानेंगे। इस परफ्यूम का नाम आपको बता दूँ, इस परफ्यूम का नाम है इंटेंस पाउडर। बहुत ही अलग खुशबू है, आपको जैसे पता भी है यार्डले लंदन का नाम चलता है। ये ब्रांड ऐसा है लग्जरी फ्रेगनेंस के लिए ही जाना जाता है, इंटरनेशनल ब्रांड है ये, अच्छी खुशबू बनाता है। इसके बारे में काफ़ी लोग तारीफ भी करते हैं, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो मतलब जिनको इस खुशबू, इनकी बनाई हुई खुशबू पसंद नहीं आती, ऐसे बहुत कम लोग हैं। अभी जो लेटेस्ट परफ्यूम जो लॉन्च हुए हैं, दो वेरिएंट लॉन्च हुए हैं, दोनों का ही रिव्यू करेंगे। आज जो मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ इंटेंस पावर का। इस खुशबू को आज जानेंगे, कैसी इसकी खुशबू है, क्या इसकी लॉन्जेबिलिटी है, क्या इसके नोट्स हैं, क्या प्राइस है, कहाँ से परचेस करें, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा इसी वीडियो के अंदर। बस अब अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे वीडियोस को शेयर भी करिएगा। और आप अगर एक नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, अगर अच्छा नहीं लगता कमेंट करके बताइएगा कि क्या कमी है। गाइस, जो बॉटल है परफ्यूम की वो कुछ इस तरीके से दिखती है। इस बॉटल का मैंने पूरा रिव्यू किया हुआ है, इस वीडियो को देखिए। ओके गाइस, जो बॉटल है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। ये इसकी पैकिंग है, ये इसका MRP 249, इसकी MFG डेट, एक्सपायरी डेट, ये इसकी सारी डिटेल्स हैं। और ये इसकी पैकिंग है, एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और ये है बॉटल, देखिए स्टील की बॉटल और ढक्कन प्लास्टिक का है। यार्डले लंदन जेंटलमैन द एलीट कलेक्शन, ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एक्सक्लूसिवली क्राफ्टेड फॉर द एडवेंचर लविंग जेंटलमैन इंटेंस। ओके, यार्डले लंदन जेंटलमैन द एलीट कलेक्शन इंटेंस पाउडर बॉडी परफ्यूम 120 ml है, 120 ml 100 grams, ओके। लिक्विड परफ्यूम है, ठीक है। तो ये इसका बॉटल का रिव्यू हो गया, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो आपने बॉटल का रिव्यू देख लिया है, अब इस परफ्यूम की बात करते हैं, इसकी खुशबू के बारे में बात करते हैं, कैसी इसकी खुशबू है। देखिए, इस जो ये जो परफ्यूम है इसमें इसके नोट्स भी दिए गए हैं, लिखे हुए हैं, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक्सक्लूसिवली क्राफ्टेड फॉर द एडवेंचर लविंग जेंटलमैन इंटेंस पाउडर एनकॉम्पसेस अर्थी एंड स्वीट नोट्स विथ ग्रीन नोट्स एट हार्ट एंड लिंगरी एम्बर नोट्स, ठीक है। देखते हैं इसकी खुशबू कैसी है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है इसकी खुशबू लग्जरी ही होनी चाहिए, आई होप लग्जरी ही होगी, क्योंकि ये जो सेंट बनाते हैं ये इस तरीके से बनाते हैं कि आपको एक लग्जरी फीलिंग देते हैं, एक शानदार फीलिंग देते हैं, बहुत ही बढ़िया खुशबू होती है इनकी। अब क्योंकि ये लेटेस्ट लॉन्च है और ये एलीट कलेक्शन है तो मुझे उम्मीद है कि खुशबू शानदार ही होगी। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे बॉटल पे लिखा हुआ था, मुझे स्वीट फ्रेगनेंस तो फील नहीं हुई, लेकिन हाँ थोड़ी सी मस्की और यू नो वुडी फ्रेगनेंस जरूर फील हुई है। काफी सारा कॉम्बिनेशन है, काफी मिक्स खुशबू आ रही है मुझे। एम्बर की भी मुझे हल्की सी खुशबू आ रही है, मैं श्योर नहीं हूँ कि ये एकदम बेस नोट है, क्योंकि ये मुझे अभी से ही आनी शुरू हो गई, या तो ये हो सकता है कि जो टॉप नोट है उनकी जो स्ट्रेंथ है काफ़ी कम है,
बहुत ही कहते हैं जिसे स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस है, हार्ड नहीं कहूँगा, थोड़ी सी ऐसी है कि हैवी खुशबू है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको इरिटेट करेगी अगर ज़्यादा स्प्रे करते हो तो, लेकिन फिर भी एक लग्जरी फ्रेगनेंस है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इसको लगा के बाहर निकलते हो तो डेफिनेटली लोगों को लगता है कि किसी ने परफ्यूम लगाया हुआ है, अच्छी खुशबू लगाई हुई है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो नोट्स का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार इसमें है। मुझे हल्की सी पचौड़ी की खुशबू अभी आ रही है, हाथ पे भी मेरी थोड़ी सी खुशबू लग गई है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि स्वीट फ्रेगनेंस तो इतनी ज़्यादा जो है उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, स्वीट फ्रेगनेंस मुझे लगी नहीं, पर कंपनी ने लिखा है तो शायद होगा, क्योंकि मुझे एक साथ काफ़ी ज़्यादा जो कहते हैं मिक्स खुशबू मुझे फील हो रही थी। ऐसा नहीं है कि हल्की सी है, काफ़ी मिक्सचर है यहाँ पर खुशबुओं का, अच्छी खुशबू है, मैं ये नहीं कहता कि खराब खुशबू है, हार्ड खुशबू है, वुडी नोट्स की है इसके अंदर, मस्क का भी टच है इसके अंदर, और जिसे कहते हैं एम्बर का भी टच है। ओवरऑल बताऊँ तो जो वुडी और एक मैस्कुलिन खुशबू होती है वो खुशबू है, अच्छी खुशबू है। और जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि जो एडवेंचर जो होते हैं, जो लोग जो एडवेंचर करते हैं उन लोग को खुशबू ये पसंद आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसे लोग वही होते हैं जो ज़्यादा मैस्कुलिन फ्रेगनेंस पसंद करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो खुशबू है, ये खुशबू आप आराम से ऑफिस में भी लगा सकते हो, कॉलेज में भी लगा सकते हो, जिम में लगा सकते हो, दिन में लगाओ, रात में लगाओ, शादी पार्टी कहीं भी लगाइए, ये खुशबू ऑल टोटल मतलब हर जगह के लिए सूटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे बंद स्पेस में लगाओ, ओपन स्पेस में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट होता है कि इसको बॉडी पे लगाएं या फिर कपड़ों पे लगाएं। देखिए मेरा ये मानना है कि अगर इसको बॉडी पे भी लगाते हो या कपड़ों पे लगाते हो, दोनों ही जगह खुशबू जो है अच्छे से इवेपोरेट होती है। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है, बॉडी पे भी लगा सकते हो, कपड़ों पे भी लगा सकते हो। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और चाहते हो कि अपनी खुशबू को लोग नोटिस करें तो आप कपड़ों पे लगा लीजिए, वरना जैसे मैं हूँ मैं तो बॉडी पे लगाता हूँ, बट स्टिल खुशबू इतनी हार्ड होती है कि बाहर तक आ जाती है। जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ठंड का मौसम है तो हम लोग दो तीन कपड़े पहन के ही रखते हैं, बट स्टिल ये जो खुशबू है ये बाहर आ जाती है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई मुझसे एक फुट की दूरी में भी खड़ा है तो भी उसको खुशबू फील होती है, वो पूछते हैं कि कौन सी खुशबू लगा रखी है। बट वो मैं ये नहीं कहता कि ये लगाओगे तो ही खुशबू होती है, आपका परफ्यूम लगाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि लोगों को खुशबू फील हो। ऐसा नहीं है कि ऐसा लगे कि ऑकवर्ड सा मतलब एकदम ज़्यादा लगा दिया है। मैं जब खुशबू लगाता हूँ मतलब परफ्यूम लगाता हूँ तो इस तरीके से लगाता हूँ कि लोगों को ऑकवर्ड भी ना लगे और उनको खुशबू भी आए। तो मैंने आपको इस तरीका बारे में रिपीट करता भी हूँ, गर्दन के आसपास आपको डेफिनेटली लगाना है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैस हो, गर्दन के आसपास लगाइए, बॉडी पे लगाइए। बॉडी पे भी कैसे लगाना है, जैसे ये तो लिक्विड है तो इसको आर्मपिट के अंदर एक बार, दो बार, तीन बार, चार, गर्दन के पीछे पाँच, यहाँ पे छः, सात, दो बार यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अगर आपने हाफ शर्ट पहन रखी है या टी शर्ट पहन रखी है तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, है ना, यहाँ भी आप लगा सकते हो, ठीक है। और अगर कपड़ों पे लगाते हो तो वही चीज़ है, एक, दो, तीन, चार, बस इतना इनफ है। ये खुशबू काफ़ी हार्ड है, काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग खुशबू है, मैस्कुलिन नोट्स है, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा देर तक रहती है। इसकी लॉन्जिबिलिटी आपको बात बता दूँ मैं, लॉन्जिबिलिटी इसकी आराम से 8 से 9 घंटे तक रहेगी, डेफिनेटली रहेगी, बहुत ही बढ़िया शानदार खुशबू है ये। और इसके अलावा मैं इसके प्राइस बता दूँ, इसकी प्राइस जो है 249, ये सबको पता ही है, लेकिन ऑनलाइन इसकी प्राइस कम है, ऑनलाइन 220 के आसपास ही आपको मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके ज़रूर परचेस करिएगा। देखिए शानदार खुशबुएँ कई सारी है, कमी नहीं है, लेकिन एक जो ब्रांड होता है जिसको लगाने के बाद आपको कॉन्फिडेंस फील होता है। ऐसा नहीं है कि आपने ब्रांड लगाया तो आपको लगता है ठीक है, आपको ऐसा फील होना चाहिए कि मैंने कोई खुशबू पहन रखी है, एक अच्छी खुशबू पहन रखी है, वैसा फील होना चाहिए। मैं हर परफ्यूम के लिए तो ये बात नहीं कहता कि अच्छी खुशबू है, आपको खुद पे ही फील होता है, हर किसी के लिए नहीं कहता। कुछ परफ्यूम है जिसके लिए मैं कहता हूँ, जो मुझे फील होता है कि ये खुशबू वाकई में पहनने लायक है तो उनकी बात मैं करता हूँ। मेरे पास काफ़ी परफ्यूम पड़े हुए हैं, मैं ऐसा नहीं है कि सारे परफ्यूम को यूज़ करता हूँ, कुछ परफ्यूम को यूज़ करता हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आप परफ्यूम लगाते हो तो ऐसा नहीं कि आपको फील हो, ऐसा होना चाहिए कि आपसे जैसे एक फुट दूर बंदा खड़ा है उसको फील होना चाहिए कि परफ्यूम है। मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ कि परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है कि सामने वाले का नज़रिया आपके प्रति बदल देती है, कि जो आपको
जो इमेज होती है सामने वाले के दिमाग में आपके प्रति, परफ्यूम ऐसी चीज़ है जो इमेज को थोड़ा चेंज कर देता, थोड़ा अपवर्ड कर देता है, लोगों को लगता है कि ये बंदा कुछ है, ठीक है ना। पसीने की बदबू है, इससे अच्छा है 220 रुपये खर्च करके अच्छी खुशबू आए, है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मजदूर हो, चाहे आप कोई कंपनी के मालिक हो, चाहे कोई एम्प्लॉई हो, कोई दिक्कत नहीं है, खुशबू पहनना कोई गुनाह नहीं है, अच्छी चीज़ है। और जब खुशबू यार्ड लंदन की हो तो एक बात अलग ही है, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को भी लाइक करिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, मेरे जो इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, क्लिक करके ज़रूर उस पर जो है लाइक करिएगा, मुझे फॉलो करिएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके बताओ मुझे। और जो नए व्यूवर्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो काम का है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।